गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एडिनियम के डिपॉटिंग कर रही थी, सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये तीनों एडिनियम प्लांट मैंने ख़रीदी थी 2014 में गार्डन ऑफ फाइव सेंस में, जो फ्लावर शो होता है वहाँ से। तो ख़रीदने के बाद तभी मैं इसका रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद 7 साल हो गए, अभी तक मैंने इसका रिपोर्टिंग नहीं की। वो गमला भी छोटा हो गया, इसका ग्रोथ भी रुक गया, तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला गमला ले आया और उसमें मैं इस एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। तो देखिए, एडेनियम प्लांट मेरा जो बॉन्साई गमले में था तो उसका ग्रोथ भी रुक गया था, तो इसमें अभी सीड्स बना है हुआ है, तो सीड्स है इसलिए इसमें फ्लावर्स अभी नहीं हैं। तो ज़्यादा इसके रूट्स के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, जस्ट इसको मिट्टी से निकाल के और इसका रूट्स को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसको रिपोर्ट करूँगी। और उसके लिए मैंने ये जो ठिकरी है, ठिकरी मतलब जो टूटा हुआ मिट्टी का गमला होता है, उसको मैंने तोड़ लिया गमले के नीचे डालने के लिए। और इसका परफेक्ट जो पॉटिंग सॉइल मैं बनाती हूँ, एक बार बनाएंगे तो 5-6 साल इसमें चल जाएगा, उसको रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल ले लिया, उसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट और देंगे नीम खली, और उसमें मेन जो चीज़ है वो डालेंगे, एक तो है आपका बोन डस्ट और दूसरा है चारकोल। तो चारकोल मिट्टी का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, और इसमें एक ज़रूरी चीज़ है वो है फंगिसाइड पाउडर। आप किसी भी फंगिसाइड पाउडर आप डाल सकते हैं, मेरे पास साफ था तो मैंने इसमें साफ यूज़ करूँगी, और ये सारे को मिला दूँगी, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे को एक साथ अच्छे से मिलाना है। तो मैंने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, अभी मैं नीम खोल डाल रही हूँ, इसके बाद डालेंगे बोन डस्ट और साफ एंड चारकोल, ये सारे डाल के, ये है बोन डस्ट, सारे डाल के मैं अच्छे से मिट्टी को मिला लूँगी, और गमले के नीचे ठिकरी अच्छे से लगा के उसके ऊपर देंगे सूखे पत्ते। जो कई सालों तक हम पौधे को एक ही गमले में उगाना चाहते हैं, तो उसमें नीचे सूखा पत्ते देना बहुत ही ज़रूरी है। ये पत्ते तो एक तो पानी निकल जाता है, और दूसरा है ये पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है और हमारे पौधे को खाना मिलते रहता है। और एडिनियम प्लांट का सबसे अच्छी बात क्या है, इसको कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना खाद देने की ज़रूरत है ना पानी देने का। तो आप हफ्ते में एक बार पानी दे दो वही काफ़ी है, क्योंकि इसका, इस प्लांट का सबसे बड़ा दुश्मन है वाटर। अब ज़्यादा पानी दोगे तो पौधे सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, इसमें जल्दी फंगस अटैक करता है, तो मिट्टी के नीचे जो कॉर्डेक्स का हिस्सा है वो गलने लगता है। तो पानी बिल्कुल कम देना पड़ेगा। और मिट्टी के गमले में लगाने का एक फ़ायदा है कि मिट्टी का गमला ना पोरस होता है, तो अगर आपका पानी ज़्यादा डल भी जाए तो वो पानी एक तो निकल जाएगा, दूसरा वो सोक कर लेता है और पानी जमने नहीं देता। जो आपका सेरामिक के गमले या प्लास्टिक के गमले में प्रॉब्लम होता है, और जिन्होंने
पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास देखभाल करने का टाइम नहीं है, लोग नहीं हैं, डेली मतलब फ्रीक्वेंटली वो लोग घूमने जाते हैं या कुछ, तो उन्होंने उन सब के लिए ये प्लांट काफ़ी अच्छा है। इनको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार आप लगा दो और ये सन लविंग प्लांट है तो फुल सनलाइट में आप रख दीजिए। गर्मी के दिनों में जब खूब गर्मी होता है तब वीक में दो बार पानी या कहीं कहीं जगह एक बार पानी काफ़ी होता है, और सर्दी में तो 15 से 20 दिन में एक बार इसमें वाटर देना पड़ता है। तो अगर आप गर्मी में एक छुट्टी में भी आप घूमने जाते हो 10-15 दिन के लिए पानी नहीं डालो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप घूम के आओ फिर इसमें पानी डालो, ये पौधे ख़राब नहीं होगा, ना सूखेगा ना मर जाएगा। सबसे अच्छा प्लांट मुझे यही लगते हैं, और पूरे गर्मी फूलों से भरा रहता है। मेरे प्लांट में फूल नहीं है, इसका कारण है मार्च के शुरू में भरा हुआ था तीनों प्लांट में फूल, और इसमें जो सीड्स आ गया उसके बाद ये प्लांट करता क्या है, सीड्स आने से सीड्स को ग्रो करने के लिए सारे एनर्जी लगा देता है तो उसका फूल आना कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं आते। और मेरा गमले में उसका मिट्टी भी नहीं था, पूरे गमले भरा हुआ था, तो वो भी एक कारण था, इसीलिए मैं इसको इस बार गमले चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे कर सकते हो। इसका कॉडेक्स जो है ना, नीचे वाले जो हिस्सा मोटा, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और आप इसको घर में भी अंदर भी रख सकते हो। घर के अंदर जहाँ पे खिड़की के पास आप रख दीजिए, जहाँ पे दिन में 3 से 4 घंटा आपका धूप आता है, तेज़ धूप, वहाँ पे आप रख दीजिए, अच्छे से आराम से चल जाता है, कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। मुझे ये प्लांट बेहद पसंद है क्योंकि ना इसका कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना कुछ नहीं, अब पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्लांट आप घर में रखो और सुंदर सुंदर फूल आपको मिलता रहेगा, और इसका शेप भी बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, प्लांट महंगा ज़रूर आता है, इसका जो सीडलिंग्स है वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन आप ग्राफ्टिंग प्लांट हमेशा ख़रीदने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा महंगा लगता है लेकिन जब ये प्लांट बड़े हो जाते हैं तब इसकी खूबसूरती उभर के आते हैं। तो दोस्तों आप सभी इस प्लांट को लगा सकते हैं। मैंने गमले में नीचे ठीकरी बिछा के उसके ऊपर मैंने सूखे पत्ते डाल दिया, मेरे पास नीम के पत्ते थे सूखे वाले, तो मैंने वो डाल के उसमें मिट्टी डाल के अच्छे से पौधे को लगा दिया, हर चारों तरफ से दबाते हुए पौधे के लगाया ताकि इसमें साइड में गैप ना था कि गैप ना रहे, तो अच्छे से लगा दिया। लेकिन मैं आज पानी नहीं डालूँगी, पानी कल डालूँगी। आज मैंने इसको इसका गमले चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे एक बार लगा दो, 4-5-6 साल तक आप आपके घर में एकदम शांति बनी रहेगी, ना देखभाल करने की ज़रूरत ना कुछ, लेकिन आपको अच्छे अच्छे सुंदर सा फ्लावर मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये 7 साल बाद मैंने ये काम पूरा किया, और अभी तो 5 साल तो इसको बदलना नहीं पड़ेगा, ये पूरा भर जाएगा, फिर से कॉर्डेक्स पूरा मोटा हो जाएगा, फिर इसे चेंज करने के लिए सोचेंगे। तो आज का ये जो गार्डनिंग वाला ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।